हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना एग्जाम जो रिलेटेड आपका एसएससी से। सीजीएल का एग्जाम आपका ये 6 दिसंबर को आपका हुआ था, फोर्थ शिफ्ट में। आपका फोर्थ शिफ्ट में इसमें हम जो करने वाले हैं वो मैथ के क्वेश्चन करेंगे। तो मैथ के क्वेश्चन हमने कुछ पिछली वीडियो में कंप्लीट किए थे, 13 क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर चुके हैं पिछली वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे, वो 14 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो बोला क्या कि अगर अपने पास ये चीज है तो ये हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से हम सोल्व सिंपल से सोल्व कर लेते हैं कि 7x को उधर भेज देते हैं, 5x² + 5 = 7x हो गया, ठीक है, माइनस का, राइट। और यहाँ से अब 5 और x दोनों कॉमन ले लेते हैं, तो 5 और x दोनों कॉमन लिया, तो यहाँ से x + 1/x आ गया, ठीक है, = -7x। एक्स से एक्स कैंसिल आउट करो, और यहां से x + 1/x कितना आ जाएगा, -7/5 आ जाएगा। अगर अपने पास ये चीज है और हमें क्यूब में निकालना, तो क्यूब का आपको पता होगा कि कोई वैल्यू होती है इसकी a, तो ये आपका a का क्यूब -3a हो जाएगा, ठीक है। तो a कितना है, -7/5, तो -7/5 का क्यूब करोगे तो आप कितना हो जाएगा, 343/125, वो भी माइनस का। और -3 * a -+ हो जाएगा, 3 × 7 = 21 हो जाएगा, / 5 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दो और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। करते हैं सॉल्व। तो भाई -343 + में 125 एलसीएम, 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 52। तो इसको माइनस कर दो, वैसे आपका आंसर आ जाएगा 2 और 8 1 182 / 125, आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। लास्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि एक पर्सन है जो 23,000 ले रहा है बी से 3 साल के लिए, ओके, 19,000 सी से ले रहा है 4 साल के लिए, और सेम रेट है दोनों पर, ठीक है, और रिसीव किया है ₹3,650 दोनों से, ठीक है, इंटरेस्ट ₹3,625 दोनों से इंटरेस्ट लिए हैं दोनों को, तो एनुअल रेट बताना, रेट बता दें, ठीक है। तो आप देखोगे कि ये तो आपका इसका प्रिंसिपल हो जाएगा, यहाँ पर इसका प्रिंसिपल। टाइम देख लो, 23,000 3 साल के लिए, तो इसका मतलब जो अपना इंटरेस्ट होगा यहाँ पर, जो इंटरेस्ट होगा यहाँ पर वो कितना होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, क्योंकि PRT/100 होगा ना, तो 100 से 2 जीरो कट जाएंगे, और 230 × 3 करोगे आप, 690 हो जाएगा, 690 R + 1। तो यहां से इसको दे दिया, दूसरे को दिया है 19,000 4 साल के लिए, तो 190 × 4 करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, तो 1976 होता है, और 1 जीरो 760 R हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों मिला कितने बना देंगे, 0 5 और 7 7 14, इतना आर ₹3,625 के बराबर है भाई, ठीक है। तो बस इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, तो आप देखोगे कि 1500, अगर मान लो मैं इसको 1500, तो 1500 से डबल है, और डबल ही जाएगा कम से कम, तो डबल होगा तो ये नहीं होगा, ट्रिपल जाएगा, 14 तो ये 42 नहीं हो जाएगा, तो ये भी नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, तो ये आपका राइट आंसर दे देगा बिना कैलकुलेशन किया हुए। और बाकी अगर आपको कैलकुलेशन करनी है तो इसको सीधा साधा आप 25 से कट कर सकते हो, ठीक है, ये आपका आंसर दे देगा यहाँ से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इतनी दे रहा है कि वॉल्यूम हमें निकालना है। वॉल्यूम आपको पता होगा क्या होता है, 2 π r सॉरी 2/3 π, पाई कितना, 22/7, r³ कितना हो जाएगा, 6.3 × 6.3 × 6.3, ठीक है। ये 7 से 0.9 हो जाएगा, 3 से आपका ये 0.3 हो जाएगा, ठीक है। तो 63 का क्यूब स्क्वायर कितना होता है, आपको पता होगा, इसका क्यूब कितना हो गया, ये आपका 9 और 6 और 39, ये आपका क्यूब हो जाएगा 69 का, ठीक है, सॉरी 63 का, लेकिन 6.3 का क्यूब हमने निकाल लिया, 39.69, ठीक है। तो अब
0.3 इंटू टू करोगे 0.6, 0.6 इंटू 22 करोगे आप कितना हो जाएगा, ये आपका 22 इंटू 0.6, ये आपका 132 मतलब पॉइंट बीच में आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ठीक है। तो 39 को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर 40 लिख सकता हूँ अप्रोक्स के लिए ठीक है। 40 को हम करेंगे यहाँ पर 13 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं ठीक है। तो 13 चौक 52, तो इसको कैलकुलेट करेंगे अप्रोक्स मान के, अगर हमने अप्रोक्स माना तो कैलकुलेट करेंगे तो 520 आना चाहिए। तो 520 के नजदीक जो वैल्यू होगी उस वो ही राइट होगी, बाकी सारे कट हो जाएंगे ठीक है। अगर आपको सिंपल सोल्व करना है तो इसको सोल्व करें कंप्लीट अपनी प्रैक्टिस के लिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि दो ट्रेंगल अगर सिमिलर है तो ए बी इतना है डी इतना है तो पेरीमीटर इतना होगा, तो इसका पेरीमीटर हमें निकालना है ठीक है। तो अब पेरीमीटर क्या है कि आपको फार्मूला पता होगा कि पेरीमीटर ऑफ ट्रेंगल डी ई एफ डिवाइड बाई करोगे पेरीमीटर ऑफ ट्रेंगल ए बी सी, इसकी साइड लेनी पड़ेगी, तो इसकी साइड कौन कौन सी, ए बी और डी, तो इसकी तो डी ई हो जाएगी और डिवाइड बाई इसकी ए बी हो जाएगी नीचे वाले की ठीक है। बस ये अपना कैलकुलेट करना, ये आपका 25 है, इसको हमने निकालना है एक्स मान लेते हैं ठीक है। तो डी ई कितना है 6.5 है, नीचे कितना है 9.1 है, कट करोगे 13 से 13 5 जा 13 7 जा ठीक है। मतलब ये क्या आपका इधर 5 मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल है, तो इधर भी कितना हो जाएगा 5 का मल्टीपल हो जाएगा, तो 7 गुना 5 आप करोगे तो 35 आपका राइट आंसर दे देगा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि एक आदमी और चार औरत किसी काम को इतने दिन में करते हैं, वही जबकि तीन आदमी चार औरत इतने दिन में करते हैं उसी काम को। चलो ठीक है, 13 वुमेन कितने दिन में करेगी हमें निकालना है। अब देखो अगर एक आदमी प्लस चार वुमेन मिलके कोई काम करती है तो कितने दिन में करेगी, तो वो टोटल काम आ जाएगा, तो ये आपका टोटल काम दे दिया। अब इसी काम को तीन आदमी और चार औरत के साथ मिलके तेरह बटे 2 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं ठीक है। तो इसको सोल्व करना, तो 2 से आपको ये 2 गया और 2 इधर लेंगे तो मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा ठीक है भाई। तो इसको सोल्व करेंगे तो 65 m प्लस 65 चौक आपको कितना हो जाएगा 260 ओम में इजिकल टू 13 दूनी 26, 26 3 ये 3 6 18, 3 3 दूनी 6 और 1 7 मैन प्लस ये आपका कितना हो जाएगा 13 चौक 52, 52 दूनी 102 ओम में ठीक है, सॉरी 104 ओम में। इसको कैलकुलेट देखो, मेन को अलग कर दो, मेन को अलग करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 13, ये आपका हाँ 13 मैन और 104 को इधर भेजोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका वुमेन का 6 5 और 1 156 वुमेन के बराबर, 13 से इसको कट करोगे तो 12, तो 1 मैन जो होगा वो 12 वुमेन के बराबर होगा राइट, 12 वुमेन के बराबर होगा। तो यहां से हम एक चीज देख लेते हैं कि वो क्या है कि अपना टोटल काम तो ये है ठीक है, टोटल काम ये है, तो मेन की वैल्यू यहां पर पुट कर लेते हैं, तो 1 मैन 12 वुमेन के बराबर है, तो 12 वुमेन के बराबर है ठीक है, प्लस 4 वुमेन एक्स्ट्रा टोटल काम 65/4 में किया राइट। तो यहां से 16 वुमेन इंटू 65/4 हो गया ठीक है भाई, तो टोटल काम अपना इतना निकल कर आया ओके। तो इस काम को 13 वुमेन करेंगी तो 13 बटे डिवाइड कर दो आपका आंसर आ जाएगा, कितना टाइम लेगा वो आपका राइट आंसर दे देगा। तो 4 से आपका ये 4 गया, 13 से आपका ये 5 गया, 4 गुना 5 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 आपका राइट आंसर दे देगा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि नंबर ऑफ कैलकुलेटर सोल्ड बाय H5, व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ कैलकुलेटर सोल्ड बाय S1, बस परसेंटेज बताना है कि जो S5 ने बेचे हैं वो S1 के कितने परसेंटेज, आप देख लो डबल है तो डबल है इसका मतलब 200% है, बस आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं।
बोला कि कॉस स्क्वायर 15, कॉस स्क्वायर 15 क्या होगा? तो आप देखो, मैं अगर सिंपल सा इसको सोल्व करूँ कि कॉस 30, कॉस 30 कितना होता है आपका, ये हो जाएगा आपका क्या, कॉस 2 इंटू 15 हो जाएगा, राइट? एंगल एंगल को चेंज किया है, ओके? तो यहां से कॉस 2, यहां से अगर कॉस 2 थीटा आप निकालोगे तो कॉस 2 थीटा कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा 15 माइनस 1, राइट? और इधर कॉस 30 है, कॉस 30 है, इस माइनस 1 को मैं इधर भेजूंगा दूसरी साइड तो ये प्लस में 1 हो जाएगा, और कॉस 30 कितना होता है, 1/√3, सॉरी 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 √3/2 होता है, ठीक है भाई, √3/2 होता है प्लस 1। बस इसको सोल्व कर लो तो ये आपका कितना आ जाएगा, √3 + 2/2 इज इक्वल टू, ये आपका सॉरी 2 cos² θ - 1 होता है, ठीक है भाई। तो यहाँ से 2 cos² θ की वैल्यू आ चुकी है आपकी, तो यहाँ से cos² 15 की निकालेंगे तो ये 2 इस तरफ आगे मल्टीप्लाई कर देगा तो कितना आ जाएगा, √3/2 + 2/4। आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल मैच कर रहा है इस आंसर के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि फ्रॉम पॉइंट एच, एच से 6:30 बजे एक ट्रेन स्टार्ट होती है के पॉइंट की तरफ 90 किलोमीटर प्रति घंटे की हिसाब से, ठीक है भाई। तो एच से लेके के तक, ये आपका एच है, ये आपका के है, तो यहां से 6:30 बजे ट्रेन स्टार्ट होती है, स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी 90, ठीक है। यहाँ पे मैं स्पीड लिख रहा हूँ, ओके, स्पीड ऑफ एच लिख दिया, ठीक है। और दूसरी ट्रेन जो स्टार्ट हो रही है पॉइंट के से 7:30 बजे, तो दूसरी ट्रेन जो 7:30 बजे स्टार्ट हो रही है वो किस, वो स्पीड की टू वार्ड एच, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है भाई, 72 किलोमीटर प्रति घंटे से 72, ये स्पीड ऑफ के हो जाएगी, राइट। बोला कि बोथ द ट्रेन मीट एट 11:30 पर कहीं ना कहीं ये मिलती है, ठीक है भाई, मान लो यहाँ पर 11:30 पे ये मिल जाती दोनों, ठीक है, और एक पॉइंट ले लिया जे, तो रेशियो बताना है एच जे का और के जे का, इसका और इसका रेशियो बताना है, बस और कुछ आपको काम नहीं करना है इसमें। तो देखो क्या होगा, देखो सिंपल सा है, डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो आप देखोगे 6:30 से लेकर 11:30 बजे तक कितने घंटे हो गए, 5 घंटे, राइट, 5 घंटे, ओके। तो डिस्टेंस जो होगी वो यहां से ही इसकी स्पीड की है, और इंटू में 5, तो 90 × 5 कितना, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, मतलब एच से लेकर जे तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 90 × 5 मतलब 450, राइट। तो ये तो आपका 450 हो गया। अब आप देखो कि 72 की स्पीड से ये चल रही है, और लेकिन इसके पे मिलेगी कितनी देर में आके, 7:30 से लेके 11:30 कितना घंटे कवर करी कि इन्होंने 4 घंटे कवर किए, तो 4 घंटे कवर किए तो स्पीड कितनी, 72, तो डिस्टेंस कितनी टोटल करेगा जे के से, या 72 × 4 हो जाएगा, ठीक है भाई, 72 × 4 कितना हो जाएगा ये आपका, सोल्व कर लो, 4 × 8 = 288, ठीक है। तो ये आपका 288 डिस्टेंस, तो डिस्टेंस तो हमारे पास आ गया, रेशियो पूछा है, रेशियो पूछा है, रेशियो पूछा, ठीक है। तो 450/288 कर दो सोल्व, कैसे देखो, 2 से कट करेंगे तो 225 हो जाएगा, 2 से कट करेंगे तो ये आपका 144 हो जाएगा, राइट। और अब इसको किस से कट करें, नौ से कट करते हैं, तो भाई आपका 9 से कट करोगे तो 9 3 9 2 नहीं, ओके, और 9 5 राइट, 9 से करोगे तो 16, तो 25:16 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है भाई, 25:16 आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि एक रेस में 4 मेंबर होते हैं एक टीम में, ठीक है, कवर करते हैं 5 किलोमीटर एक दूसरे के बाद, मतलब क्या कर रहे हैं चारों, कि एक तो 5 किलोमीटर कवर करेगा, फिर दूसरा 5, इसके अलावा फिर तीसरा 5 करेगा, इसके अलावा जो चौथा मेंबर है वो भी 5 करेगा, तो टोटल टाइम जो इन्होंने ये डिस्टेंस कवर की है इसको टोटल टाइम में कितने, 30 मिनट में कवर की है, राइट। तो एवरेज स्पीड पता नहीं है, सिंपल सी चीज है,
तो आप देखोगे टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की, 20, राइट। 20 कवर की कितनी देर में, 30 मिनट में। इसको घंटे बना लो तो आधा घंटा हो गया, ठीक है। तो नीचे आ जाएगा टाइम, तो 1/2 नीचे आएगा, तो इसका मतलब 2 उल्टा ऊपर चला जाएगा, ये आपकी स्पीड आ जाएगी, तो 40 किलोमीटर पर आवर आपका राइट आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, बोला कि व्हाट परसेंटेज इंक्रीमेंट, अच्छा 2016 और 17 कंपेयर टू 15-16 के, इंपोर्ट में पूछा है 2016-17 में कितना इंक्रीज हुआ, ये आपका 2016-17 का है, ये आपका 2015-16 का है, तो इसके मुकाबले कितना इंक्रीज हुआ आप चेक करोगे। तो डिफरेंस चेक करो एक बार, तो इसका अगर मैं टोटल 500 लूं, 500 ले लूं, ठीक है, 7, इसको मैं 700 मान रहा हूँ, ठीक है भाई थोड़ी देर के लिए, तो 500/700 कितना हो जाएगा, और मल्टीप्लाई 100 कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 7 × 7 = 49, 7 के लगभग स्टार्ट होगा, लास्ट में 7 के लगभग तो कुछ है ही नहीं भाई, तो कोई नहीं सॉल्व ही कर लेते हैं इसको। तो 1200 में से 738 गए तो कितना बचेगा, 462 बचेगा भाई, 462 बचेगा, ठीक है, ओके। तो 462/738 हो जाएगा, तो आप देखो 7 से ये आपका 7 से कट कर रहा हूँ, 7×6 = 42, 7×6 = 42 होगा, सभी 6 के हैं, ठीक है, 7×6 = 42 होगा, और 4×2 फिर 7×6 = 42 होगा, तो 66% आई थिंक मैं इसको गलत करके आता है, ठीक है, फिर भी अगर मैं इसको 740 लिखूं शॉर्टकट फॉर्म में, शॉर्टकट फॉर्म में अगर इसको 740 लिखूं तो ये कटेगा, अब तो भाई आपको सोल्व करना पड़ेगा, 75 करो तो ये 5 से 2, ये 5 से 15, 15 से कट करो, 15 × 3 = 45, और 100, 15×6 = 90, मतलब अप्रोक्स मान रहा हूं मैं, ठीक है, 2×36 नहीं जाएगा भाई, इसको कैलकुलेट ही करना पड़ेगा भाई, आप कैलकुलेट जरूर करें, प्रैक्टिस के लिए आपका अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करता हूं मैं, बोला कि रोहन ने सोल्ड की कुछ सॉरी कुछ सामान अंकित को 55,000 में 15% के डिस्काउंट पर, ठीक है, तो अंकित ने कितने पे किए, तो देखो 100 में से 15% तो इसने डिस्काउंट दे दिया, तो कितना परसेंट भी दिया होगा, 85% पर उसने सामान लिया होगा, ठीक है, तो बस ये वैल्यू बतानी है, तो 85/100 निकालना है किसका, 55,000 का, सिंपल सा है, सिंपल सा भाई, ठीक है, तो आप निकाल लोगे, तो आप देखो 5×8 स्टार्ट के देख लो, 5×8 = 40, 40 से बड़ा होना चाहिए ये, 40,000 नहीं है, 40,000 नहीं बना रहे, 40,000 नहीं बना रहे, आपका राइट आंसर दे देगा, अप्रोक्सीमेशन मेथड से आप जितना यूज करोगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा, नहीं तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, 85×2 = 550 के आप मल्टीपल भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, 7 आर्टिकल का क्या डिस्काउंट है, एक मिनट, एवरेज मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल, सभी का मार्क प्राइस ये है और आर्टिकल ये है, तो सभी का एवरेज नंबर निकालना है, तो आप देखो 11, 7, 18, 18 और 9 कितना हो जाएगा, 27, 27 और 10 37, 37 और 10 47, 47 और 5 कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा, और कितने हैं टर्म, 7 हैं, तो 52/7 कितना हो जाएगा, 700 के लगभग जाना चाहिए, और 702 है तो 5200 ले लो भाई, पूरा 49 चला गया, तो ये आपका 3×0 = 7×21, अब देखो तो नजदीक कौन जा रहा है, ये वाला जा रहा है, तो इसको कट करो, ये तो होंगे नहीं, ठीक है, ये आपका राइट आंसर दे देगा,
ओके तो आज के इस वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, और बाकी के आप इसको प्रैक्टिस के लिए जरूर सॉल्व करके देखें ताकि आप कैलकुलेशन इजी बने आपके लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।